इस समय मैं श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में मौजूद हूं और यहां की रौनक देखकर जिन लोगों ने कई सालों से शायद या कुछ महीनों से भी कश्मीर को नहीं देखा होगा तो वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस तरह की रौनक, इस तरह की चहल पहल वाकई हैरान करती है। पर अब ज्यादा हैरान मत होइए, क्योंकि ये नए कश्मीर की तस्वीर है जो कुछ देशों को चुभती जरूर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का कश्मीर है जहां बम बम भोले के उद्घोषों के साथ अमरनाथ यात्री निष्कंटक, निर्भय, निडर होकर अपनी आस्था को जी पाते हैं। बहुत बढ़िया लगा यात्रा में, बहुत ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा है। और मोदी सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया सुरक्षा है, कोई भी यहाँ पर खतरे का कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और अगले साल आने का वापस मन कर रहा है। ये आज का कश्मीर है जहाँ 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के निकल पाता है। कम से कम 30 साल के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग आराम से निकल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये खाली इश्यू बना दिया था, बाकी कुछ नहीं था। 19 सालों के बाद निकला तो हम बेहद शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, एलजी साहब के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये अलाउ किया, हम इसके बहुत शुक्रगुजार है। आज का कश्मीर आतंकियों की धमकियों की सड़ी गली व्यवस्थाओं को तोड़कर सिनेमा हॉल्स को हाउसफुल करता है। यहाँ पे 32 साल बाद यहाँ पे सिनेमा यहाँ पे ओपन हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों को, यूथ को ज़रूरत थी इसके लिए। पहली बार मैं जम्मू गया था, आई थिंक 2014 के 15 में जब पीके रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम मैंने पहली बार मूवी देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट आज मैं कश्मीर में देख रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने जब पहली बार जम्मू में देखा था, मैं वहाँ पे उस दिन सोच रहा था कि काश हमारे पास भी कश्मीर में कुछ ऐसा हो कि हमारे मतलब कश्मीर में भी मूवी आए, हम वहाँ पे भी देख सके, थिएटर मतलब कोई ओपन हो वहां पे। आज के कश्मीर की बेटियां खेल से लेकर खुद मुख्तारी तक के फैसले लेने के लिए दतियानूसी बंदिशों से आजाद। लाल चौक पर परफॉर्म किया था, मुझे याद है स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर, मन में ये आया था या ये आया था कि हम देश का हिस्सा हैं और हम कर रहे हैं? बेसिकली मैं डाउनटाउन से ही बिलोंग करती हूँ, तो ये है कि मतलब लोगों की बातें होती है डाउनटाउन में, ऐसी गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती, बट ये प्राउड था कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है, तो वो मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाया, अपने लिए लाया, स्पेशली अपने देश के लिए लाया है, क्योंकि मुझे हमेशा से यही है कि मुझे इंडिया को प्राउड फील करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अगर मुझे अभी भी बोलेंगे, यहाँ तक कि मेरे सारे स्टूडेंट भी है, हमने घंटाघर के पास हिस्ट्री है कि हमने वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन हिंदुस्तान का फ्लैग चढ़ाया है वहाँ पे, तो हम चाहते बार बार ऐसा हो और मैं प्राउड फील करती हूँ। आज के कश्मीर के नौजवान जो देश के ख्वाबों के साथ अपने पंखों की उड़ान जोड़ देते हैं। भाजपा सरकार जो है उसने बहुत ज्यादा किए हैं, जैसे रोडें देख लें और भी मतलब डेवलपमेंट के, हमारे इस गांव में बहुत अरसे से रोड की हस्ता हालत थी और रोड मतलब नहीं हुई थी, तो इनके आने के बाद रोड का सिस्टम भी हुआ। रोड्स बने हैं यहाँ पे? जी हाँ, अच्छे रोड बने हैं। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, लेकिन हम खुश हैं कि महंगाई जरूर हुई है लेकिन विकास का काम भी हो रहा है। पानी, बिजली, हाँ सब है। ये अभी ट्रांसफार्मर आया है, अभी रोड है, पानी भी है, 2-3 हैंडपंप मिले हैं अभी। अच्छा। जी जी। आज के बुलंद, महकते, चहकते कश्मीर को देखें तो याद आती हैं कुछ पुरानी तारीखें, कुछ पुराने दाग, कुछ पुरानी साजिशें। हमने धारा 370 हटने से ठीक एक दिन पहले का कश्मीर दिखाया। खाने पानी, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज नहीं है। आप लोगों को क्या चाहिए कि स्पष्ट बताए कि क्या हो रहा है? हाँ, हमें बताए ना, बात है क्या, यहाँ पे टूरिस्ट है सब भाग गए, यात्री थे हमारे यात्री सब भाग गए, स्टूडेंट एक महीना हो गया, स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, एनआईटी वाले भाग रहे हैं, सभी कुछ। अब देखो इनके बच्चे की हालत क्या है। आपको इस बात की शिकायत है कि जो कश्मीर का नहीं उसे क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये तो पता भी नहीं है ना, है क्या बात।
यात्री को क्यों यहाँ से निकाला, टूरिस्ट को क्यों निकाला यहाँ से? ये सवाल कितने रेस्पेक्ट करते हैं यात्रियों को, कितने रेस्पेक्ट, कितने स्वागत करते हैं हम ही कश्मीरी। जब वो रगड़ा रगड़ा यहाँ पे था, फिर भी हमने कांधों पे उनको उठाया, एक्सीडेंट रास्ते में उनका कांधों पे उठाया, अस्पताल ले गए, ट्रीटमेंट किया। कहा किन लोगों ने? कश्मीरियों ने। और उन्हीं कश्मीरियों को कहते हैं आतंकवादी है। ये क्या हो रहा है? आज सुबह 6 बजे सवेरे 6 बजे एनआईटी वालों से निकाला सारा तो ये सवाल लोग उठा रहे हैं यहाँ पर। पेट्रोल पंपों का हाल देख लीजिए, ये पेट्रोल पंप है, इसमें चेन से बंद करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है। लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर पैनिक बाइंग कर रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये दी जा रही है कि दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई दूसरी चीज तो नहीं है। आज 4 साल बाद आतंकी टारगेट किलिंग जैसी हरकतों में सर उठाते हैं तो साल खत्म होने से पहले कश्मीर की मिट्टी उनके दफन जनाजों की गवाह बन जाती है। एक लोगों में भी काफी एप्रीहेंशन था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद क्या बदलाव आएंगे। हम लोगों ने भी जब ऑपरेट करना शुरू किया, जिस तरह से हम लोगों का जो इंटेंसिटी था ऑपरेशंस का, वो हमेशा बरकरार रहना भी जरूरी था और साथ में हमें इस चीज के प्रति भी संवेदनशील रहना था कि एक ऐसा डिसीजन हुआ है जो लोगों को यहाँ एक्सेप्ट करना है। इस दौरान हमारा जो आरआर यूनिट्स का मोटो है, आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, इसमें जो वेलवेट ग्लव है उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही अहम रहा है। जहाँ पर लोगों की रोजमर्रा जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए और उनकी हार्डशिप्स को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, जिसके अंदर हमारा हमेशा ये एंडेवर रहा है कि कम से कम या ना के बराबर कोलैटरल डैमेज रहे, ताकि हम एक अच्छा परिचय दे सकें एक पीपल फ्रेंडली आर्मी और एक प्रोफेशनल आर्मी का। नए कश्मीर का निर्माण दिखता है, विकसित कश्मीर की सूरत नजर आती है। भारत के सिरमौर कश्मीर का वैभव कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आप देखोगे अभी पिछले 2 साल से जितना भी यहाँ पे टूरिज्म, मतलब कश्मीर में बेरोजगारी धीरे धीरे इससे खत्म हो रही है। चलो शिकारे वाले हैं जो भी रिलेटेड इस चीज से है, तो बेनिफिट लोगों को आ रहा है। डिफरेंट बन गया, पहले तो ये ओल्ड मार्केट है ही, इट्स अ हेरिटेज मार्केट, ओल्ड मार्केट। नाउ इन्होंने अब इसमें ये चेंज किया, ये अच्छा हुआ मार्केट के लिए। लोग आते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब देखते हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ 4 साल पहले कश्मीर को कश्मीरियत लौटाने की जो इच्छा शक्ति भरी यात्रा शुरू हुई थी, वो आज इस पड़ाव तक आ चुकी है जहां सांसों में महकते केसर की खुशबुएं हैं, आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने के सपने हैं, हर तरफ कश्मीर की धड़कनों में धड़कता हिंदुस्तान है। तो मेरे ऋषि के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिला ही मजा गया। २०१९ में धारा 370 हटने से पहले तक देश के लिए जो योजनाएं बनती थी उनमें अधिकतर पर लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के अलावा। चार साल बाद अब ये बात भी इतिहास बन चुकी है। 4 साल पहले तक अलगाववादियों की पाकिस्तान परस्त तकरीरों से घाटी गूंजा करती थी, अब वहाँ शांति है, अमन है, चैन है।